हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी फ्रेंड बोल रही हूँ ज्योतिष क्रिएटिविटी से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको साल्विया के सीड कलेक्ट करने के लिए बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे साल्विया में अभी भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखिए, पुराने डंडी को मैं तोड़ के हटा देती हूँ तो फिर से नई नई डंडी निकलती है, स्टॉक निकलती है और उनमें फ्लावरिंग अच्छे से होते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए कैसे इसके सीड को कलेक्ट करना है। जैसे ये देखिए, ये स्टॉक एक ये वाला है, ये पूरा सूख गया है, पीला हो गया है। और ये वाला स्टॉक, एक ये स्टॉक देखिए, ये भी पूरे सूख गए हैं। तो हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये स्टॉक टूटा तो हम लोग इसको ऐसे नीचे से ऐसे हटा लेंगे और साइड में रखते जाएंगे। और ये देखिए, ये वाला भी लगभग ये भी हो ही गया है। जो जो सूख गए हैं उसको हम लोग हटा लेंगे। और ये देखिए, इसके अंदर में अगर आप लोग को दिखता हो तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक अंदर में, ये सीड पॉट के अंदर यही साल्विया का सीड है। मैं आपको इसको निकाल के भी बताऊंगी। ये देखिए, इसे भी मैं हटा लेती हूँ, एकदम यहाँ नीचे से ऐसे हटा लेना है। और अंदर में अगर आप लोग को दिख रहा हो तो देखिए, ये मैं हटा रही हूँ। जो जो सूख गया है सभी को हटा लेना है। मुझसे ये भी टूट गया, इसे नहीं तोड़ना था। खैर, ये देखिए, इसे हटा लिया। साल्विया बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, एक बार इसके स्टॉक निकल जाते हैं तो काफ़ी लंबे चलते हैं। और जैसे ही हम लोग पुराना स्टॉक हटाते हैं जिनमें सीड बन गए हैं तो फिर से न्यू सूट निकलते हैं और फिर से उनमें कलियां आती हैं और फूल खिल जाते हैं। तो बहुत आपके गार्डनिंग को ये, मतलब आपके गार्डन को बहुत कलर ऐड करते हैं। तो पर्सनली मुझे साल्विया तो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, ख़ास करके रेड साल्विया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। जैसे इन सभी को मैंने एक जगह ले आया है तो ये देखिए, इसके अंदर ये ब्लैक ब्लैक सीड है, इसी को, ये सीड पॉट को हटा के इसे निकाल लेना है। ये देखिए, ये सारे ब्लैक ब्लैक ये अंदर में दिख रहे होंगे आपको। देखिए अंदर में कितने ब्लैक ब्लैक सीड पॉट बने हुए हैं, सीड पॉट में सीड्स बने हुए हैं। मैं इनको कलेक्ट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने सारे सीड को कलेक्ट कर लिया है और सीड पॉट से बाहर निकाल लिया है। देखिए इतने सीड मैंने अभी कलेक्ट किए हैं, अभी और भी सीड मैं कलेक्ट करूँगी। जब उसके सीड पॉट सूख जाएंगे अच्छे से तो मैं और भी सीड ले लूँगी। और मैं तो कहती हूँ कि अपने घर के सीड से प्लांट सीडलिंग करके उसे बड़ा करना, बड़ा होते हुए देखना, वो एक अलग ही फीलिंग है, वो बहुत अच्छा लगता है। एक एक दिन आप अपने पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो सीड को कलेक्ट करें कोई भी अच्छे से फंजीसाइड में मिलाकर, उसके बाद इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख दें। फिर अगले साल बारिश ख़त्म होके सितंबर लास्ट या अक्टूबर शुरू में फिर आप इसके सीडलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।